इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। आज की ऑनलाइन क्वेरीज में एक क्वेश्चन था कि मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, मुझे रिंकल्स की प्रॉब्लम है, मुझे झाइयाँ भी हैं, तो सिर्फ डर्मा बेस से वो काम हो जाएगा? डर्मा बेस का एक इंग्रेडिएंट है पत्थर चट्टा, दूसरा इंग्रेडिएंट है मजीठ, तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट भी परफेक्टली डिलीवर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम उसका है प्रोटेक्शन और स्किन को एक फाउंडेशन, नेचुरल फाउंडेशन देना। ये उसका बहुत बड़ा काम है, और त्वचा को क्योर करना, प्रोटेक्ट करते हुए क्योर करना, केयर क्योर दोनों करना। और अगर वो सनस्क्रीन्स के साथ मिल जाता है, जुवेना की सनस्क्रीन के साथ मिल जाता है, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन बन जाता है, मतलब यूवीए यूवीबी रेज दोनों को रिफ्लेक्ट करने का काम उसका है। तो इतने सारे काम डर्मा बेस के हैं, और उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो डर्मा बेस लोगों के बीच में कितना प्रचलित है ये पता पड़ा। लेकिन मैं इस बात का उत्तर ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं पहले सोऊंगी तो मेरी नींद पूरी होगी, अगर मुझे थकावट है तो भी मैं पहले सोऊंगी तब मेरी नींद पूरी होगी, और जो थकावट की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेरे अंदर आई है तो जब मेरी नींद पूरी होगी और फिर मैं जो पोषण लूँगी, जो आहार लूँगी, जो खाना खाऊँगी, उससे जो न्यूट्रिएंट्स की कमी शरीर में आई है, जो फ्लूइड्स की कमी थकावट की वजह से आई है, उसकी भी पूर्ति बहुत अच्छे से होगी। तो अगर मुझे झुर्रियाँ हैं, मुझे रिंकल्स हैं, मुझे झाइयाँ हैं, मुझे पिगमेंटेशन है, तो उनके लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए जिस पोषण की ज़रूरत है वो मैं त्वचा को बाहरी रूप से दूंगी, और जो रिज़ल्ट उसे मिल रहा है वो पोषण पाकर वो रिज़ल्ट को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। वरना अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करूंगी सन के अगेंस्ट, तो डेली बेसिस पे जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है वो डेली बेसिस पे मैं खोऊंगी। तो इसका मतलब है कि वो रिज़ल्ट बढ़ ही नहीं पाएगा आगे। इसीलिए अगर झुर्रियाँ हैं और झाइयाँ हैं तो कई अन्य पैक्स हैं, क्रीम्स हैं, कई प्रोसीजर्स हैं जुवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में, जिसे आप अपना कर झुर्रियाँ और झाइयों को ठीक कर सकते हैं, और फिर उन्हें प्रोटेक्शन देंगे डर्मा बेस से, और प्रोटेक्शन के साथ साथ वो उस पोषण को कम नहीं होने देगा जो धूप में पोषण कम हो जाता है। कोई भी सनस्क्रीन, कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सिवाय प्रोटेक्शन के और कुछ नहीं करती है, जबकि जुवेना हर्बल्स का डर्मा बेस और जुवेना हर्बल्स की सनस्क्रीन त्वचा को प्रोटेक्ट करती है धूप से, और साथ साथ उस पोषण की कमी नहीं आने देती है त्वचा में जो कि धूप की वजह से आता है, और उसके साथ साथ त्वचा को क्योर भी करती है। इसीलिए एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी पिगमेंटेशन इफेक्ट को प्रोटेक्शन से जोड़ना ज़रूरी है, और वो रिजल्ट की अपेक्षा एकमात्र एक प्रोडक्ट डर्मा बेस से करना भी अच्छा है लेकिन अधूरा है।